बहुत धूप है आज, लगभग दोपहर के 12 बजे हैं। अनन्या साथ में है और हम भी आए खेत में। देखिए दोस्तों, गड्डी का तेल बनाया जाता है, और एक साइड में हमने चना भी रखा था। चना है, चलो दोस्त मिलके खाते हैं चने को। ये देखिए गीला चना, ये अभी खेत से तोड़ के लाया है और अनन्या की मम्मी उसको खा रही है, उसको खिला भी रही है। अनन्या, ये देखिए अनन्या उसको छोड़ नहीं रही है, उसको बहुत पसंद आया है। अई ये देखिए दोस्तों, अनन्या खा रही है, उसको बहुत पसंद आया। ये लो, उसको दे दिया, अब देख रही है क्या है। तो दोस्तों अभी आपने देखा ही होगा, अनन्या ने मस्त हरभरा चना खाया है और अभी हमें निकलने का सोच रहे। धूप बहुत हुई है, खेत में लाइट भी नहीं है, इस कारण हम पानी भी नहीं दे सकते हैं। यह है अपनी बैलगाड़ी और आपको मैं दिखाता हूँ कुआ। सब तरफ देखोगे तो पूरा ऐसा ही माहौल है। ये देखिए कुआं, हमने इसी कुएं में कल कछुआ छोड़ा था, अभी तो दिख नहीं रहा है कहाँ पे है, काफी अंदर गया होगा। जहाँ पानी दिया है वो जगह बहुत हरी है और जहाँ पानी नहीं है वो पूरा सूख गया है। हवा काफी अच्छी ठंड चल रही है। ये देखिए दोस्त, ये हमारा कपास है, पूरा कपास सब गल रहा है। पास से दिखाता हूँ आपको, काफी अच्छा कपास आया है, बट गांव में प्रॉब्लम एक ही है, यहाँ पे लेबर लोग नहीं मिलते हैं, जो वर्कर्स रहते हैं वो अवेलेबल जल्दी से नहीं होते, और वही प्रॉब्लम हमें भी फेस करना पड़ा है। आज लेबर आने वाले थे बट आए नहीं, आज का कल का परसों ऐसे ही हो रहा है। अब देखो यहाँ पे कपास निकल के नीचे आया, मैं दिखाना। ये देखो दोस्तों, देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कपास कैसा है। सब कपास नीचे गिर रहा है, जहाँ हमने पानी दिया था उधर का कपास काफी अच्छा बना है, और जहाँ पे नहीं दिया है वहाँ पर खराब हो गया है पूरा। और हमारे खेत में तो बैल भी है, वो भी दिखा देता हूँ। अभी उनका लंच टाइम हुआ है, खाना खा रहे। ये देखिए राम और श्याम, हेलो राम और श्याम,
भाई वो खाना खा रहे हैं इसलिए वो अब ज्यादा देख नहीं रहे। देखिए अनन्या और अनन्या की मम्मी। हाय। चलो निकलते हैं घर के लिए और घर पे कुछ सरप्राइजिंग करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी बेल को डाल के हम निकल रहे हैं यहाँ से, काफी धूप है दोस्तों। अभी शाम के 6 बजे हैं और हम अभी घर में कुछ नया सरप्राइज कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ठंड लग रहा है, गांव में बिजली नहीं है, गांव में बिजली नहीं है तो अभी थोड़ा अंधेरा अंधेरा ही लगेगा। और अभी हमने सोचा है कि आज कुछ स्पेशल करें तो हमें आंगन में थोड़ा पानी छिड़का है, अभी काफ़ी अच्छा स्मेल आ रहा है। और घर पे एक चूल्हा है तो वो चूल्हे पे अभी हम खिचड़ी बना रहे हैं, कुछ तो नया। तो खिचड़ी बना रही है अनन्या की मम्मी, तो मैं आपको सीन दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये चूल्हा जलाया है और ये बन गई है खिचड़ी। इसमें सब कुछ डाल दिया है, टमाटर आलू मिर्ची सब कुछ। और ऐसा भी बन रहा है चूल्हे पे, चूल्हे का जो टेस्ट रहता है वो नॉर्मल गैस से काफ़ी अच्छा रहता है और ये टेस्ट आपको गांव में ही मिलेगा। जी दोस्तों, आज की पार्टी तो काफ़ी अच्छी होने वाली है और स्मेल से तो लग रहा है काफ़ी स्वादिष्ट टेस्टी बन रही है खिचड़ी, तो बनने के बाद ही देखते हैं कैसी लग रही है। देखिए अनन्या की मम्मी अभी चावल डाल रही है। ये है असल गावरानी खिचड़ी। अनन्या रो रही है, उसको उसके मम्मी के पास जाना है इसलिए वो रो रही है, उसकी मम्मी बिजी है। दोस्तों ये लो अभी चाय भी रेडी है, हमें चाय भी मिली। अरे 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 रुको रुको रुको, अनन्या को थोड़ा संभालना पड़ेगा। चाय 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 चाय, उसको भी चाय पीना है। रुको देखो, चाय पीछे रखने में, अरे वाह वाह पीछे रख दिया चाय। तो दोस्तों अभी हम चाय पियेंगे गरम गरम ठंडी के माहौल में। अनन्या आपको भी चाहिए चाय, आपको भी चाहिए चाय, चाय पियोगे आप? अच्छा अच्छा चलो चाय पी के आते हैं हम लोग। दोस्तों ये देखिए खिचड़ी बन के रेडी है और अभी ये परोसी जा रही है, अनन्या की मम्मी है परोस रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं आके अभी पार्टी कर रहे हैं सबजन। हेलो बोलो, हेलो सबजन, हाय बोलो। देखते हैं अभी कैसा टेस्ट है इसका, दिख तो बहुत अच्छी रही है, स्मेल भी अच्छा आ रहा है। दोस्तों ये हमने जो अभी बनाए हैं वो खिचड़ी है और बहुत ही टेस्टी, उसका स्मेल तो इतना अच्छा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी बैठ के खाना खाओ। तो चलो दोस्तों एक बार बैठ के देखते हैं क्या कैसा बनी है, उसके टेस्ट क्या है। खाना हो गया है, अभी रात के लगभग 9 बजे है और काफ़ी नींद आ रही है, पर इसके पहले मुझे एडिट करके वापस से अपलोड भी करना है। और होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मेरा ब्लॉग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।